मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर में। मेरा नाम है करुणा और अब हम लोगों का ये एसएसबी का सेशन होने वाला है शुरू। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है मैम की क्लास में, क्योंकि आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं एसएसबी को लेकर और कुछ कुछ बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं एसएसबी को लेकर। तो एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए और परेशानी को हटाना है हमें, है ना। तो दोनों में ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। जो एक्साइटेड है वो उनकी एक्साइटमेंट बनी रहे कि हाँ बिल्कुल वो फौजी बनने वाले हैं, और जो परेशान है वो परेशानी को हटाकर चीजें सीख कर एसएसबी की क्लासेस अटेंड करें और फिर अपने फौजी बनने के सपने को पूरा करें। वेरी गुड मॉर्निंग आकाश, शिवम, वाईकेएम प्रजापति, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऋषभ, शिवम, बहुत 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 स्वागत है आप सभी का। शुभम, हां जी बिल्कुल रोहित, जय हिंद रोहित। रामकिशन, गुड मॉर्निंग। कुलदीप, संदीप को ब्लॉक कर दो, क्या हो गया बच्चा। अतुल, जय हिंद अतुल बच्चा। आसिफ, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगी, हाँ रिंकेश बिल्कुल। आप जल्दी से एक बार क्या करिए, फटाफट पहले सेशन में ज्वाइन हो जाइए और सेशन को एक बार कर दीजिए शेयर, ठीक है। जल्दी से आ जाइए आप लोग। हाँ जी क्रेजी, गुड मॉर्निंग। आप न्यू स्टूडेंट है, हाँ बिल्कुल, जो भी न्यू स्टूडेंट है उन सभी का वेलकम है। देखो आज की जो हमारा एसएसबी की क्लास होने वाली है ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि आपके साथ एसएसबी में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से टास्क आपके एसएसबी में होने वाले हैं। आप सभी जो डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप एनडीए के थ्रू एंट्री लें, चाहे आप सीडीएस के थ्रू लें, चाहे आप एफकैट के थ्रू लें, किसी के भी थ्रू लें, चाहे सीडीएस के थ्रू लें, एफकैट के थ्रू लें, एनसीसी के थ्रू लें, या आपकी टेक्निकल एंट्री टीईएस डायरेक्ट एंट्रीज हो, यहाँ पर आपको एसएसबी के लिए कॉल किया जाता है, किसी के थ्रू भी हो, अगर आपको डिफेंस ऑफिसर बनना है तो ये जरूरी जरूरी है कि आपको इस एसएसबी के इंटरव्यू वाली स्टेज से तो गुजरना ही होगा। इन केसेस में आप बिना रिटर्न के भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके पास एसएसबी को मिस करने का कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप ऑफिसर रैंक की एंट्री के लिए जा रहे हैं तो। रविकांत, हाँ बिल्कुल, आप भी वीडियो देख सकते हैं बच्चा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, जल्दी से पहले तो सेशन को शेयर कर दो भाई। मैंने आपसे कल ही कहा था कि कम से कम 500 से नीचे तो तुम ना ही जाना, तभी तो मजा आएगा एसएसबी की क्लास में, क्योंकि ये एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। यहाँ मैम को कोई कंसेप्ट नहीं सिखाने हैं, यहाँ हम एक इंटरव्यू की तैयारी करने वाले हैं, और वो तभी तो पॉसिबल है ना जब आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे क्लासेस में, तभी होगा। तो देखो जब हम इस एसएसबी इंटरव्यू की बात करते हैं तो ये क्या कह रहा है, ये आपका इंटरव्यू होने वाला है। क्या होने वाला है? आपका इंटरव्यू होने वाला है। ये आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करता है। क्या करता है? ये आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करता है और हमारे अंदर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखता है। क्या देखता है? 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखता है, ओएलक्यू देखता है। एक सेशन रखेंगे हम ओएलक्यू पर भी कि ये ओएलक्यू क्या होती है मैम, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं जो आपके अंदर ढूंढी जाती हैं। अब आप में से कुछ कह रहे हैं ना कि मैम अभी तो हम रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले एक बार रिटर्न निकाल ले फिर करेंगे। तो भाई जब ये पर्सनालिटी टेस्ट है और आपके अंदर ये 15 ऑफिसर जैसी क्वालिटीज ढूंढी जानी है, तो क्या आप एक दिन के अंदर, दो दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर या एक महीने के अंदर अपनी पर्सनालिटी को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना। और वहां टेस्ट इस तरीके से डिफाइंड होते हैं सारे के सारे स्टेजेस कि नेचुरली जो आप हैं वो उनके सामने आ ही जाना है। तो अगर आप नेचुरली वही रहते हैं और तीनों ऑफिसर्स को सेम वही चीजें दिखती हैं, तो आप फॉर श्योर फर्स्ट टाइम में ही रिकमेंड हो जाते हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम में ही रिकमेंड हो गई थी मैं, और मुझे ये उम्मीद है जब मैं कर सकती हूं तो बाकी सब कर सकते हैं। मेरी थी सीडीएस की एंट्री, क्योंकि गर्ल्स ओटीए के लिए एलिजिबल होती हैं ऑफिसर रैंक पे, भोपाल 21 एसएसबी बोर्ड से, है ना। तो मैं तो एकदम बढ़िया हूं। प्रशांत, आप सब कैसे हैं, है ना, आप सब कैसे हैं, आप सब बताओ। मैं तो एकदम बढ़िया, जबरदस्त, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को ये एसएसबी सेशन का बहुत वेट था और फाइनली हमारा ये सेशन शुरू हो गया है, है ना। हाँ हाँ बच्चा, जो भी रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी एसएसबी की क्लास ले सकते हैं। मैंने आपको कहा तो कि अगर आप मैम के साथ आधा घंटा पौन घंटा जुड़े रहेंगे और धीरे धीरे चीजें शुरू कर देंगे अपने रिटर्न के साथ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता और आप वो सारी की सारी चीजें अपने अंदर इनकल
रेप्लिकेट कर लेंगे, वो नेचुरली आपका बिहेवियर बन जाएगा, एक नॉर्मल नेचुरली आपकी वही पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी एक ऑफिसर के जैसी। तो सबसे पहले तो आपको हमेशा ये फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई आप ऑफिसर बन गए हो। तो आप लोग तो क्या करो, बिल्कुल बिल्कुल रोहित, ऑल गुड। चलो यहाँ देखो, तो पहले आज हम यही जानेंगे कि एसएसबी में कौन कौन से टास्क होते हैं, क्या क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन रखेंगे कि ये क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं जो आपके अंदर जज की जाती हैं। फिर एक एक करके सभी टास्क से रिलेटेड हम सेशंस किया करेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, आज ही एक एसएसबी के लिए एक नई नोटबुक बना लेना है। उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैम को देनी है कि आप सभी ने रैंकर्स बैच की बात तो सुनी होगी, लास्ट जो रैंकर्स बैच था उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा, तो इसलिए फिर से रैंकर 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपके लिए एयरफोर्स का बैच, नेवी का बैच, एनडीए का बैच। अगर आप खाली एयरफोर्स के बैच को बाय करते हैं तो आपको 999 देना है, खाली नेवी के करते हैं तो 999 देना है, और एनडीए का करते हैं तो 1499, और कॉम्बो लेना है आपको एयरफोर्स और नेवी दोनों का तो आपको पे करने हैं 1499। मतलब आपको नहीं लगता कि कितनी जेन्युइन सी फीस है, जहां आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको डेली की लाइव क्लासेस मिल रही है, आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगे, डाउट सेशंस भी होंगे, और टीचर्स और कंटेंट में तो आपको खैर पता ही है, आप खुद से देखते हो हम लोगों को कि आप लोगों के लिए कौन सी टीचर अवेलेबल है। तो ये तो मुझे लगता है कि हमसे बेहतर आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी टीचर कैसा है, कौन सा नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। जिसके भी 280 प्लस मार्क्स बन रहे हैं ना, वो आंख बंद कर एसएसबी की तैयारी शुरू कर दो, और जो 300 क्रॉस कर गए हैं उन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता। इट्स गुड स्कोर, क्योंकि इस बार बहुत जगह कर्फ्यू था और कर्फ्यू की वजह से बहुत सारे बच्चे टेस्ट देने जा ही नहीं पाए, है ना। तो जहां 40 की कैपेसिटी है वहां सिर्फ 10 बच्चे आ रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, कुछ बीमार हो गए तो कट ऑफ जानी है कम। तो इसीलिए आपके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने ड्रीम को पूरा कर सके। और खुद से सोचो भाई, आप इतनी कम उम्र में अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं एनडीए के थ्रू, क्या चाहिए और जीवन में। जिंदगी भर दर दर ना भटकना पड़े, कुछ और ना सोचना पड़े, एक बार ट्वेल्थ के बाद जिंदगी सिक्योर हो गई, करियर सेट हो गया, बेस्टेस्ट जॉब है, बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैम आपका नेम है रब्बा, आपको नाम ही नहीं पता। हाँ भाई डेली क्लास होगी, लेकिन क्लास होगी आप लोगों की मंडे से, क्योंकि अभी रैंकर्स बैच के आप लोगों के चल रहे हैं डेमो, तो जो क्लासेस का सेशन शुरू होगा वो शुरू होगा मंडे से 10 AM पर, रोज हम इसी 10 बजे मिलेंगे, ठीक। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आपका नाम क्या है, तो मैम का नाम है करुणा। करुणा का मतलब पता आपको क्या होता है, काइंडनेस, है ना। और हाँ रैंकर्स में आप CDS, CAPF और FCAT वाला कॉम्बिनेशन खरीदना चाहते हैं तो उसकी अमाउंट है 2499, और एयरफोर्स नेवी का मैंने आपको बता ही दिया है कि 1499 है। तो बिना देरी के जल्दी से जल्दी इस बैच में एनरोल करा लीजिए, क्योंकि आप लोगों का ये बैच नेक्स्ट वीक मंडे से शुरू हो जाएगा, अभी आपके डेमो क्लासेस चल रहे हैं। नहीं नहीं बच्चा, अभी एनडीए का रिजल्ट कहाँ आया, वो तो बच्चे कट ऑफ से उम्मीद लगा लेते हैं ना कि इतना स्कोर कर रहे हो ऐसे। चलो आंसर की और उसके थ्रू यहां देखो कि जब सबसे पहली बात, जब आप लोग अपना रिटर्न दे लेते हैं तो आपके पास एसएसबी के इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। जब आप अपना रिटर्न क्लियर कर लेते हो तो कॉल लेटर आता है, और वो कॉल लेटर आप लोगों को मेल किया जाएगा। क्या किया जाएगा आपको, वो कॉल लेटर मेल किया जाएगा। तो अपनी मेल्स को चेक करते रहना, क्योंकि आपके पास मेल आएगा पर आपका कॉल लेटर आएगा। अब इस कॉल लेटर के अंदर वो सारी की सारी चीजें डिफाइन करते हैं कि आपकी एसएसबी कहाँ है, आपकी एसएसबी की डेट्स कौन कौन सी हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं एसएसबी में, कौन कौन से अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके सर्टिफिकेट्स आपको एनरोल कराकर लेके जाने होते हैं। मतलब सारी इन्फो होती है इस कॉल लेटर के अंदर। तो जब भी आप एसएसबी के लिए जाएंगे तो वहां सबसे बड़ा माजरा हो जाता है डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट जो है वो इनकम्प्लीट रहता है। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है, आपके आधार कार्ड और उन पर नाम डिफरेंट है, आपकी मार्कशीट में नाम डिफरेंट है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए,
और फिर उन छोटी छोटी चीजों से हमसे मिस्टेक हो जाती है और हमें पहले दिन ही लौटना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन के टाइम ही, क्योंकि यहां तो आपसे मैं कहूंगी कि जाने से पहले दो बार डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक कर लेना कि आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं या नहीं रखे जो आपके कॉल लेटर में है, आपकी फोटोग्राफ्स, यहां तक कि कुछ तो ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जो फोटोग्राफ्स तक नहीं लेके जाते हैं, तो न्यू फोटोग्राफ्स खिंचवानी है आपको कैसे, फॉर्मल ड्रेस में लाइट कलर की शर्ट है ना, तो वो बैकग्राउंड मेंशन करेंगे कि कौन सा बैकग्राउंड होना चाहिए, तो आप सुंदर से बन के जाना और अपनी फोटो को खिंचाना और फिर वहां पर अपनी कॉपीज, फोटो की अच्छी खासी कॉपीज लेकर जाना। अभी आगे डॉक्यूमेंट्स में दिखाऊंगी भी कि कौन कौन से आपको 35-40 कॉपी तो जरूर जरूर लेकर ही जाना अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की, वरना वहां बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक, तो आपको और क्या मिलता है आपको जाने का, अलाउंस भी मिलता है। क्या मिलता है आपको? अलाउंस भी मिलता है, थर्ड एसी का आपको अलाउंस मिलता है। लो, क्या ही चाहिए, अब जाने का पैसा भी आपको सरकार ही दे रही है। वहाँ SSB में आप जितने भी दिन रुकते हैं वहाँ फ्री एकोमोडेशन होता है आपको, खाना पीना। और जो ये मिथ है ना आप लोगों के कि इंग्लिश नहीं आती है, ये नहीं आता है, तो आप लोग उन सभी मिथ को अभी दूर रखना। मैम मिथ से रिलेटेड भी कुछ क्लासेस लेंगी जहाँ आपको ये इतनी कन्फ्यूजन रहती है ना, जो लोगों ने नॉर्म्स बना दिए उन सबको भी दूर कर सके। ठीक है, सुंदर बनकर जाना। हाँ, सुंदर बनकर जाना मतलब स्मार्ट लगने चाहिए ना आप लोग। कहते हैं ना कि जो आपकी पर्सनालिटी का फर्स्ट लुक होता है वो इम्प्रेशन देता है, तो ये सच है। जब भी हम किसी इंसान को देखते हैं तो सबसे पहले उसका अटायर, उसका ड्रेसिंग सेंस ही तो हम एक्नॉलेज करते हैं कि वो इंसान कैसा होगा। फिर जब वो बोलता है तब हमें पता लगता है कि वो इंसान कैसा होगा। तो आपकी जो फर्स्ट लुक होती है वो इम्प्रेशन तो देता है आपका। ठीक है, तो आप लोगों को देख रहे हो, आप यहाँ पे मैम ने फोटो भी लगाई है, फॉर्मली ही रिपोर्ट करना है। आप ये नहीं है लोअर और टी शर्ट पहन के चले गए, बिल्कुल ऐसे बाल बिखरे हुए हैं, बिल्कुल क्लीन शेव होने चाहिए आप लोग। कुछ मुस्ताच रखते हैं तो ठीक, वरना ना ही रखो तो बढ़िया है। जो छोटे छोटे होंगे वो 12th, वो तो ज्यादा ही फिर यंग बड़े बन रहे हैं। तो क्लीन शेव और बाल आर्मी कट, छोटे छोटे, कभी स्पाइक्स वगैरह बना के चले जाओ और वो आपको ऐसे ही बाल पकड़ के खींचे, आ जा बेटा तू ही आ जा, तेरा ही ज्यादा फैशन निकाले, या कहीं एक्स वैक्स लगवा लो या कहीं आईब्रोज वाइब्रोज पे कट करवा लो, नहीं, जैसे बिल्कुल मासूम से शरीफ से, जैसे किसी के घर शादी का रिश्ता लेकर जा रहे हो, बिल्कुल सीधे सादे से बनकर जाना है ना। स्माइल होनी चाहिए। हाँ बच्चा, यूट्यूब पर ही होगी भुवन, बिल्कुल यूट्यूब पर ही चलेगी ये क्लासेस, तो आप जाओगे तो फॉर्मल ड्रेस में ही जाओगे। आप पूछोगे मैम फॉर्मल कपड़े क्या, तो लाइट कलर की शर्ट, डार्क कलर की पैंट, जिस कलर की पैंट उसी कलर के सॉक्स, फॉर्मल शूज होने चाहिए अच्छे से टक इन करके। ये नहीं आधी शर्ट बाहर निकल रही है आधी अंदर है और बिल्कुल यहां तक बटन खोल रखे हैं, बिल्कुल सलमान खान तुम ही बन जाओ, तो ऐसा नहीं। CABF के लिए भी क्लास लो। हाँ लेंगे लेंगे, है ना, बिल्कुल। देखो शादी वाली बात से कितने खुश, अब तुम समझ गए होंगे कि तुम्हें कैसे भोले भाले बन के जाना है। और फेस पे स्माइल होनी चाहिए एकदम, ऐसे नहीं ऐसे मुंह सा उतराकर हाय हम तो पहुंचे हैं, क्योंकि वो आप लोगों को रेलवे स्टेशन से पिक करने आते हैं और आपके पास आपके एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट, जो कॉल लेटर होगा उसकी आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए, तभी वो आपको अंदर अलाउ करेंगे, क्योंकि वो आपको पिकअप करने आएंगे। अब वहां पिकअप करने के लिए ये नहीं है पेरेंट्स कहीं हाथ पकड़ के जा रहे हो, अगर आप अकेले ट्रैवल कर सकते हो तो इट्स गुड, अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे, पेरेंट्स के साथ गए, सिबलिंग्स के साथ गए, तो जहां रिपोर्ट करना हो रेलवे स्टेशन पर वहां अकेले जाना, ठीक, दूर से देख लेंगे पेरेंट्स, इट्स ओके, वरना ऐसा लगेगा भाई ये तो हाथ पकड़ के चलते हैं हमेशा, कल को हम इन्हें कहीं भेजेंगे तो वो आपको हर छोटी से छोटी चीज पर जज करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे कि भाई ये फौजी बनने लायक है भी, ये हर एनवायरनमेंट के अंदर सूट होगा या नहीं होगा। आप खुद से देखना कि एक डिफेंस अफसर में आपको अलग ही दिख जाएगा, फौजी जैसी चीजें वो अलग से ही हम देख के पता लगा लेते हैं कि ये फौज का बंदा है ना, वो क्यों, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो सेम आपको भी बहुत स्मार्टली रिपोर्ट करना है, बी इंडिपेंडेंट, पेरेंट्स गई भी हैं तो वहां उन्हें दूर रखना, खुद से जाके रिपोर्ट करना, फिर वो आपका कॉल लेटर एडमिट कार्ड चेक कर आपको अलाउ करेंगे, फिर वो आपको SSB सेंटर तक लेकर आएंगे। अब SSB सेंटर तक जब लेकर आएंगे तो आपके पास आपका लगेज भी होगा, तो ये नहीं है कि महाराणा की तरह गए, बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह ऐसे करते करते अपना सामान रख दिया ऐसे, भाई
कर दो भाई तुम, अरे यार तू कर दे, अरे यार मेरा भी रख दियो सामान, ऐसे रखवा रहे और खुद जाके बैठ गए बस में। ना जी ना, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, हेल्प भी करनी है, मदद भी करनी है दूसरे की। आपको पता है ये सेशन बहुत मजेदार होने वाला है अगर आप इंटरेस्ट देंगे तो, क्योंकि यहाँ आपको इंटरव्यू से रिलेटेड बातें जाननी है। अरे हम ऐसे करते हैं, और यहाँ से आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी कि कुछ कुछ चीजें आप देखेंगे कि हम डेली लाइफ में भी कितनी पंक्तियां करते हैं ना अपने दोस्तों के साथ और उनके साथ, जो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप कहो टीचर जाने से पहले आपसे मिलकर जाएंगे, हाँ ठीक है। आप कहो अरे यार मेरा भी बैग रख दियो, तू तो रख ही रहा है, अरे यार रख दे, तू तो दोस्त है अपना यार, तू तो भाई है अपना, रख दे एक बार, है ना। कभी ऐसे करो और रखवाओ, तो ऐसे नहीं करना। अपना लगेज तो खुद रखना ही रखना है, वहां जाके भी खुद उतारना है, बल्कि दूसरों की हेल्प भी करनी है। अरे लाओ हम कर देते। आपको बहुत डिसेंट बनना है, मैंने कहा ना इंप्रेशन जमाना है तकड़े वाला। बिल्कुल, आपने SSB दिया है क्या? हाँ मोहित बच्चा SSB दी भी है और पहली बार में क्रैक भी की है, ठीक है, 21 SSB बोर्ड से। हाँ बच्चा सब बताऊंगी, डिफेंस नॉलेज शो सब बताएंगे, सब कि कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सब मैम बताने वाली हैं। आज का सेशन रखते हैं, ठीक है। तो ज्यादा भाईचारा मत दिखाना इतना कि अरे भाई तू कर दे, दोस्ती वहां हेल्प करनी है, अपना हेल्पिंग एटीट्यूड दिखाना है आपको कि भाई हम तो सबकी मदद करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। एक अफसर बनने जा रहे हो, तुम्हारे अंदर इतने लोग होंगे, उन सबको साथ लेकर चलोगे या नहीं चलोगे? चलोगे ना, तो ऐसे ही रहना है आपको। तो फिर जब आप रिपोर्ट करोगे तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। आर्मी की SSB में क्या होता है कि आप पहले आज के दिन रिपोर्ट किए हो तो वो दिन में आपको पिक करने आएंगे, उसमें क्या करते हैं वो मॉर्निंग में पिक कर लेते हैं आपको, तो पहले ही दिन स्क्रीनिंग वगैरह हो जाती है। लेकिन आर्मी के SSBs में क्या होगा कि वो उनके ऊपर है, मैं जनरली बता रही हूं कि ऐसा होता है, तो वो पहले दिन आपकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रिफ्रेशमेंट देते हैं आपको, कुछ भी दे सकते हैं, जूस या पैटी या समोसा, जो भी वो आपको प्रोवाइड करें। फिर उस दिन डॉक्यूमेंटेशन होती है और नेक्स्ट डे से आपके SSB का प्रोसीजर शुरू होता है। तो जाते ही रिपोर्ट करने के बाद आप लोगों को कॉल किया जाता है, आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन होती है जहां डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, और यहीं पर बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं आउट, क्योंकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं लेके जाते। बताओ इससे बड़ी कोई बेवकूफी होगी कि जब कॉल लेटर में मेंशन है कि आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, तो आपको वो लेके जाने, कल को किसी मीटिंग के लिए जाओ और फाइल घर ही भूल जाओ, कोई अफसर तो कितनी बड़ी बेवकूफी नजर आएगी, वो आएगी या नहीं आएगी? तो आपको ये नहीं करना। शाहिद फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर लिया था, बच्चा मेरा इंटरव्यू बाद में ले लेना, पहले आज ये समझ लो कि SSB क्या होती है, इंग्लिश भी आ जाएगी, डोंट वरी, परेशान ना हो तुम, ठीक। तो फिर जब आप पहली स्टेज पर जाते हैं तो पहली स्टेज होती है आपकी स्क्रीनिंग। क्या होती है आपकी स्क्रीनिंग? और वहां पर जो आपकी आइडेंटिटी होती है ना, वो आपके नाम नहीं होते, आपके चेस्ट नंबर होते हैं। आपको इस फोटो में दिख रहे होंगे ना ये ऑरेंज कलर का चेस्ट नंबर 17, 24, 8, 26, 23, तो वो आपकी आइडेंटिटी होती है, उन्हीं चेस्ट नंबर्स के थ्रू आपको बुलाया जाता है। तो जब आप रिपोर्ट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, तो आपको आपके चेस्ट नंबर्स दिए जाते हैं, ठीक है। फिर आपको पहली स्क्रीनिंग पर जो चेस नंबर्स देंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं, तो वहां पर फ्रेशर्स अलग होते हैं और रिपीटर्स अलग होते हैं, बस सिर्फ उस पहली स्टेज पर। बाकी जब दूसरी स्टेज पर पहुंचते हैं तो दोनों को मिक्स कर देते हैं। हमारी SSB को कितनी स्टेज में डिवाइड किया हुआ है? 2 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। तो जो पहली स्टेज होगी, आपके ग्रुप्स डिवाइड हो गए, 10-10 के ग्रुप हो गए, 12-12 के ग्रुप हो गए, तो इसी तरीके से आपको रूम भी एलोकेट्स किए जाएंगे, आप अपने ग्रुप वालों के साथ ही रहते हैं। तो जब आप पहले उस पे पहुंचते हैं तो पहली स्टेज के अंदर 2 टेस्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, OIR जिसे कहते हैं, और एक होता है आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जिसे आप PPDT कहते हैं। जब हम OIR की बात करते हैं तो ये रीजनिंग का टेस्ट होता है एक तरीके से। क्या आती है इसमें आप लोगों की? रीजनिंग आती है। तो अब आप लोगों को रीजनिंग भी पढ़नी शुरू करेगी, और रीजनिंग की क्लासेस आपकी YouTube पर होती हैं, तो वर्बल नॉन वर्बल दोनों होते हैं, है ना।
वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होते हैं, ठीक है। सेशन को थोड़ा शेयर कर दो और लाइक कर दो, अभी भी तुम आधे बच्चे हो जो जो आए नहीं हो, मेरी उम्मीद के परे हो, मुझे ये था 500 से ऊपर तो तुम रहोगे। सब बताएंगे, थोड़ा बहुत बच्चा सब सब करेंगे। आज तो पहला क्लास है, इंट्रो है, मैम के साथ आज से जुड़ गए हो, सब करेंगे, तुम परेशान मत हो, इतना तो भरोसा रखो। और जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं मुझे उम्मीद है कि उन्हें मैम पर भरोसा होगा, है ना, मैम क्वालिटी भी बढ़ाती हैं। हाँ, अब जसप्रीत उस सब बातों पे आएंगे, एटीट्यूड होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं, सब सब करेंगे डिस्कस। अभी बस आज ये जानो कि एसएसबी में होना क्या क्या है तुम लोगों के साथ। अच्छा, मुझे मैथ्स आती है, यहाँ मैथ्स कहाँ से आ गया भाई, कौन सी दिन दुनिया से हो तुम? जैसे इंटरव्यू ऑफिसर तुमसे तुम्हारा नाम पूछे तो तुम पापा का नाम बताकर आना, फिर ऐसा है ना। चलो सुनिए मैम की बात। तो ये क्या होंगे, रीजनिंग के आपके दो टेस्ट होंगे जहां आपको रेटिंग की जाएगी फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ पर। तो आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड में ही आना है, कौन सी रैंक पर आना है, फर्स्ट और सेकंड पर ही आना है। फिर ओएआर के बाद होगा आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जहां पर आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है और आपको उस पिक्चर पर स्टोरी लिखनी होती है। स्टोरी के बाद डिस्कशन होती है, जीडी होता है, जहां एक कॉमन ग्रुप स्टोरी आप लोगों को फॉर्म करनी होती है। और जब ये पहली स्क्रीनिंग, जब स्टेज टू पे आप पीपीडीटी भी दे लेते हो, फिर लंच के लिए गए, फिर पीपीडीटी स्क्रीनिंग का रिजल्ट अनाउंस होता है, और जो जो बच्चे उसमें इन हो जाते हैं वो बाकी के तीन दिन रहेंगे, जो स्क्रीन आउट हो जाएंगे वो सेम डे ही वापस आएंगे, है ना, वो सेम डे ही क्या होगा, उन्हें वापस जाना होगा। तो ये स्क्रीन इन हो जाओगे तभी आगे के एसएसबी के तीन दिन रुकोगे, वरना पहले ही दिन वापस। तो यहाँ तो आप लोगों से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, खुद से सोचो, इतनी दूर गए हो बन ठन के, इतनी सारी तैयारी करके, तो क्यों पहले दिन वापस आना है, कम से कम सारे टास्क तो देखने हैं और रिकमेंड होकर भी आना ही है, फिर यही मिलेंगे एग्जामपुर में और मैम के साथ पार्टी करेंगे, है ना। चलेगी, अब कितने दिन चलेगी, कैसे होगी, ये सब छोड़ दो, मोबाइल अलाउ होगा नहीं होगा सब देखेंगे। कुछ सेंटर्स पर मोबाइल फोन अलाउड नहीं होते, आपके स्क्रीन इन के बाद ही ले लेते हैं, जैसे हमसे भोपाल में ले लिए गए थे, अलाहाबाद में अलाउड होते हैं। आप अपने रेजिडेंशियल, ये अलाहाबाद का ही फोटो है ना, वहां पर ऐसे आप लोगों के अकोमोडेशन जहाँ आप लोग रहते हैं वो बने हैं, तो आप इनमें यूज कर सकते हो अपने रूम्स में, लेकिन कभी भी हॉल्स, टेस्टिंग हॉल्स में या बाहर वाले एरिया में आपके फोन अलाउड नहीं होते। जब आप रिकमेंड हो जाते हो तब आपको आपके फोन मिल जाते हैं आपके मेडिकल्स के टाइम में। हाँ, आपको बताएंगे मैम स्टोरी कैसे लिखनी है, क्या करनी है, सब करेंगे बच्चा, हैव पेशेंस। जब आप मंदिर जाते हैं, है ना, एक एग्जांपल दे दे मैम, जब आप मंदिर जाते हैं और भगवान के सामने बैठ जाते हैं हाथ जोड़ के या हाथ खोलकर और दुआ करते हैं, तो क्या भगवान जाते हैं आपकी सारी दुआ सुन लेते हैं? नहीं ना, आज तो आप क्लास में आए हैं, जान तो लो एसएसबी क्या है, धीरे धीरे सब कराएंगे। हाँ, टैटू अलाउड नहीं है बच्चा, कुछ जो आपके मतलब रिचुअली बना हो तो कुछ हद तक, वहाँ सब इंस्ट्रक्शंस होंगे, सब दिखाएंगी मैम, थोड़ी पेशेंस रखो बिल्कुल। पीपीडीटी की स्टोरी भी बनाना सिखवाएंगी सब, नहीं हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखनी होती है स्टोरी, नहीं मैम एमपी से नहीं है, इंग्लिश 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 यूज करनी है आपको एसएसबी के टाइम, कहीं अटक गए थोड़ी बहुत तो हिंदी चलेगी, वरना सब काम किसमें होने इंग्लिश। अरे भाई, ऑफिसर बनने वाले हो, अपने देश को रिप्रेजेंट करोगे और इंग्लिश इज ए कॉमन लैंग्वेज जो हर जगह बोली जाती है, समझी जाती है, तो इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। नहीं आनी चाहिए तो आप लोगों को मैम के साथ साथ रहो, हम बात करा करेंगे, इंग्लिश में सीख जाओगे, परेशानी वाली कोई दिक्कत नहीं है। फिर पीपीडीटी के बाद जब स्क्रीन इन हो जाओगे तो आपको आपके नए चेस नंबर्स मिल जाते हैं और आपसे आपके पुराने वाले चेस नंबर ले लिए जाते हैं, और फिर आप लोगों से वो सारे के सारे फॉर्म भरवाए जाते हैं, जिसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है PIQ, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर, क्या होता है आपका PIQ। पढ़ेंगे ये भी कि PIQ फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, सब डिस्कस करेंगे। अब जब आप लोग दूसरी स्टेज पर पहुंचते हैं तो आपके तीन टास्क होते हैं, साइकोलॉजिकल टास्क, इंटरव्यू और आपके ग्राउंड टास्क। साइकोलॉजिकल टास्क देखो आपकी क्या चेक की जा रही है, साइकोलॉजी, आपका दिमाग कैसा है। इंटरव्यू में आपका क्या चेक किया जाता है, आपका हार्ट, आपका मन कैसा है। और ग्राउंड टास्क में क्या होते हैं, आपके एक्शंस, आपकी एनर्जी चेक की जाती है। अरे राइटिंग गंदी है, सब गंदी है, सब देख लेंगे, अरे बाबा सब होगा, सब कुछ होगा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो।
सब होगा, गंदी है कुछ, अरे छोड़ दो बाबा छोड़ दो, सब बातें छोड़ दो, सिर्फ यहाँ देख लो। ठीक है, यहाँ देखो, अब जब साइकोलॉजिकल टास्क पे आते हैं तो आपका क्या चेक करना है, आपका साइकोलॉजिस्ट आपके दिमाग को चेक करेगा, जहाँ चार टास्क होंगे आपके, TAT थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और SGT आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। एक बार जोर लगा दो थोड़ा सा, सेशन को एक बार शेयर कर दो, जो 500 से ऊपर तो अपन लोग पहुंच ही जाए, है ना, और सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो भाई, 500 तो कम से कम आप लोग होने ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो, जो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है उसमें आपको 12 स्टोरीज लिखनी होती हैं बैक टू बैक, कितनी 12। यहाँ WAT में आपको वर्ड्स दिए जाते हैं 60, जिनके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना होता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको SRT में 60 सिचुएशन मिलती है, 30 मिनट का टाइम होता है जिसमें आपको हर सिचुएशन का रिएक्शन लिखना होता है। और SGT सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, आपको अपने बारे में ही 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 मिनट में उनका आंसर लिखना होता है। ये काम आप घर से तैयार कर जा सकते हैं। यहां से आपकी साइकोलॉजी चेक की जाती है। ठीक, आपके साइकोलॉजिस्ट ने आपको देखा नहीं है, वो इन टास्क के थ्रू आपके अंदर उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को देखता है कि आप कैसे हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। जैसे होता है ना कि हमने किसी को देखा नहीं होता, लेकिन हमने उसके बारे में सुना होता है कि वो कैसे काम करता है, उसके दोस्त कैसे हैं, तो उन सबसे हम अपने दिमाग में उसकी एक इमेज बना लेते हैं कि ये इंसान ऐसा होगा, ये व्यक्ति ऐसा होगा, है ना, होता है ऐसा या नहीं होता। तो सेम उसी तरीके से आपके साइकोलॉजिस्ट ने भी आपको देखा नहीं है, आप जो टास्क कर आएंगे उनके थ्रू जज किया जाएगा कि आप कैसे हो। फिर होता है आपका इंटरव्यू, सबसे बेहतरीन सबसे मजेदार सेशन जो मुझे लगा था, और होता ही है क्योंकि इंटरव्यू आपका 1-to-1 इंट्रैक्शन होता है आपके इंटरव्यू ऑफिसर के साथ। इंटरव्यू ऑफिसर यहाँ बैठा है, इतनी दूर आप बैठे हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपकी लाइफ के बारे में, आपने अब तक क्या किया, आप क्या कर रहे हो, आगे के क्या प्लान्स हैं आप लोगों के, मतलब इट्स ऑल अबाउट यू। SSB इज बेसिकली ऑल अबाउट यू, वो SSB सिर्फ आप ही के बारे में है, आप ही की पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है। और अगर आपने SSB दे ली ना, तो फिर कहीं डर नहीं लगना, किसी इंटरव्यू से डर नहीं लगना, आप आराम से बिंदास रहोगे, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे आपको एक्सप्रेस करना है, क्योंकि ये वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है, सबसे टफेस्ट, ये सोचो। अच्छा, लक्ष्य बैसे हैं अनूप आप, ओके, हाँ प्रियांशु बच्चा, हमें बताए तो मैम सब बताएंगी, तुम फौजी बनोगे, और तुम्हें पता है वहां एक कमांड दे दिया ना अफसर ने, बोल दिया कि ऐसा है तो ऐसा है, वहां क्यों नहीं पूछा जाता, और तुम लोगों से मैम ने इतनी बार बोल दिया कि थोड़े पेशेंस रखो ना मैम, बताएंगी सब कुछ, सब करेंगे धीरे धीरे, थोड़ा तो पेशेंस रखो, पेशेंस तो बिल्कुल नहीं है आप में। हाँ हाँ भोपाल कर सकते हो हितेश, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तो भोपाल से रिकमेंड हुई थी 21 SSB बोर्ड से। चलो, इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, आएगी आएगी सब आएगी। इट्स गुड यू हैव स्कोर 357 मार्क्स रमन, मैं तो 280 प्लस से ज्यादा। हाँ रोहित बच्चा, वर्दी में मिलेंगे मैम से, तब तो तुम सब भूल जाओगे, रहने दो, तब मैम को याद नहीं रखोगे तुम लोग, फिर तो तुम सब धोखेबाज बन जाओगे। तो इंटरव्यू आपका 30-45 मिनट्स चलता है जनरली, जहां आपसे रिलेटेड ही बातें पूछी जाती हैं। फिर होते हैं आपके ग्राउंड टास्क, अरे लड़कों को तो ग्राउंड टास्क करने में सबसे मजा आता है, क्योंकि तुम खेल कूद में माहिर होते हो, आज यहाँ कल वहां, मम्मी बुलाती रह जाए, अरे आ जाओ नलायको पढ़ लो, और तुम बाहर क्रिकेट खेल रहे हो, है ना बल्लेबाजी कर रहे हो, या और भी जो तुम गेम खेल रहे हो वो सब। इंटरव्यू कब होगा विवेक, सुनो, जब आप स्क्रीन इन हो जाते हो तो पहले दिन होते हैं आपके सारे के सारे साइकोलॉजिकल टास्क, फिर आपको ग्रुप वाइज डिवाइड किया जाता है आपके इंटरव्यू डेट्स, वो आपके साइकोलॉजिकल टास्क वाले दिन भी हो सकता है और आपके ग्राउंड टास्क वाले दिन भी हो सकता है, ये आपका एक दिन चलेगा। ठीक, तो उसी दिन आपके शाम को इंटरव्यू भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, ग्राउंड टास्क आपके 2 दिन चलते हैं, तो आपके ग्राउंड टास्क वाले दिन भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। अगर आपको सीधा ग्राउंड से ही जाना पड़ रहा है इंटरव्यू के लिए, तो आप ई
स्किनी व्हाइट टी शर्ट और व्हाइट शॉर्ट्स लोवर में चले जाते हैं, वरना इंटरव्यू के लिए भी आपकी यूनिफॉर्म होगी फॉर्मल। हम करेंगे सब कुछ डिस्कस, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे नहीं देना है, है ना। हाँ यस, ऑफिसर्स हैव पेशेंस। मैंने आपको कहा ना कि आज से ही मान लो बन गए अफसर, मैम बिल्कुल ऐसे एकदम मजबूत हो जाओ, अंदर अपने जान डाल लो कि मैम हम तो आज से ये सोचे बैठे अब तो बन गए अफसर, अपन लोग हो गए बड़े अफसर बन गए अब, है ना। तो पेशेंस रखो, सुनो ध्यान से, वो यही चीजें तो होंगी, यही वहां दिखाओगे, बस आज से उन सारी बातों को अपने अंदर डालो। नहीं बच्चा रनिंग वनिंग नहीं होती, ये ग्राउंड टास्क होते हैं, यहाँ कोई आपको दौड़ वौड़ नहीं लगानी है, ठीक। इसमें क्या क्या होते हैं आपके, ग्रुप डिस्कशन होते हैं जीडी, जो दो जीडी होंगे, एक आपको दो टॉपिक्स मिलेंगे जिन पर आपको डिस्कशन करनी होती है। जैसे आप वहां गली के बाहर खड़े हो जाते होंगे ना सारे के सारे 5-10 लोग, और कोई मुद्दा मिल जाए आपको, अरे भाई कोरोना केस बहुत बढ़ रहे हैं, बता दो क्यों बढ़ रहे हैं, बस वहां ये काम बैठ के करना है तुमको ढंग से तरीके से, अरे भाई वो लड़की बहुत अच्छी है, है ना। या ऐसे तुम करते होंगे ना, डिस्कशन करते होंगे पक्का, यार मम्मी पापा कह रहे हैं अफसर बन जा फौजी बन जा, पर मैं क्या करूं, मेरा मन तो एक्टर बनने को है। तो ऐसी डिस्कशन तो चलती होंगी ना तुम लोगों की, चलती होगी या नहीं चलती होगी, पक्का चलती होंगी। तो बस यही डिस्कशन तुम्हें कहाँ करनी है, तमीज से ढंग से करनी है, अपनी एसएसबी में करनी है या नहीं करनी है। हाँ बच्चा दे देंगे पीडीएफ भी, ठीक। फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है जीपी, जो आप प्लानिंग करते हो ना किसी को छेड़ने की, या बहुत सारे टास्क होते हैं, अरे चल आजा एक प्लान बनाते हैं अपन लोग, और जहाँ अरे चल आज घूमने चलते हैं, चल आज बंग मारते हैं, चल आज ये करते हैं, तो यही प्लानिंग कहाँ करनी है, वहां करनी है जहाँ आपको बहुत सारी मुसीबतें मिलती हैं और उन मुसीबतों का आपको सॉल्यूशन निकालना है। क्या करना है, उन मुसीबतों का आपका सॉल्यूशन निकालता है ना, हम बनेंगे अफसर बिल्कुल। फिर क्या होता है आपका पीजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, जहां कुछ हर्डल्स होते हैं और उन हर्डल्स को क्रॉस करकर आपको एक एंड से दूसरे एंड तक जाना होता है। फिर होता है स्नेक रेस, अब स्नेक देख के ये ना घबरा जाना, अरे मैम क्या करा रही हो आप, सांप के साथ भी रेस करा रहे हो, हाय रब्बा ये तो हमसे ना हो पाएगा, ना ना वहां ऐसा नहीं है, एक नकली सा सांप दे देते हैं, एनाकोंडा नहीं मिलने वाला, एक नकली सा सांप लेने मिलने वाला है, और उसे लेके आपको कुछ हर्डल्स होते हैं और उन्हें क्रॉस करना होता है। इतनी बढ़िया मजेदार एक्टिविटी होती है ये, कि सारे ग्रुप नारे लगाते हुए, जैसे तुम करते रहे होते हो ना, जय महाकाल जय महाकाल, जय माता दी जय माता दी, या इस तरीके से, है ना। नहीं नहीं हाई लेवल की इंग्लिश विंग्लिश नहीं आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, अरे इंग्लिश से डर नहीं लगना, कोई दिक्कत नहीं है हितेश, सब कुछ ठीक होगा, ठीक। तो फिर स्नेक रेस होती है, जहां उस स्नेक के साथ साथ आपको उन हर्डल्स को क्रॉस करना होता है, बिल्कुल नारेबाजी, बिल्कुल गला सूख जाते हैं, इतने जोश में होते हैं, हमारे आज तो बस हमसे ऊपर कोई है ही नहीं, हम ही शहनशाह हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे। फिर उसके बाद क्या होता है आपका लेक्चरेट होता है, अब लेक्चरेट क्या होता है, जब आपको एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा बोलना होता है ना, तो वो होता है आपका लेक्चरेट। स्कूल में भी जैसे हम एक्सटेम्पोर टाइप्स नहीं करते थे कि एक टॉपिक पे बोलना हो, जैसे आपको दोस्तों के सामने इंप्रेशन जमाना हो और कोई टॉपिक ले लो और खड़े हो गए और उसी टॉपिक पे भाषण दे दिया, वही लेक्चरेट है। क्या है वो, वही क्या है आपका लेक्चरेट है। हाँ बच्चा दीप, ये न्यू एसएसबी का बैच है, बिल्कुल न्यू ही है ये, आज इसका इंट्रोडक्शन है। फिर आपका होता है हाफ ग्रुप टास्क एचजीटी, यहाँ आप क्या करते हैं प्रोग्रेसिव, फिर आपके ग्रुप को आधे आधा डिवाइड कर दिया जाता है, सेम पीजीटी की तरह होता है, जहाँ एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, आपके सामने कुछ हर्डल्स होते हैं, फट्टा दे दिया आपको, रस्सी दे दिया आपको, वो वैसे अपन लोग तो इतने जुगाड़ू होते हैं, जो हमें करना है वो हमें करना है, जो हमने ठान ली वो ठान ली, फिर चाहे हो जाए कुछ भी, और हम हर चीज में जुगाड़ चला देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पे भी, यही करना है आपको। फिर हो गया आपके आईओ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, क्या होंगे आपके आईओ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, जहां आपको एक सामने 10 हर्डल्स होते हैं और आपको अकेले वो 3 मिनट में क्रॉस करने होते हैं, जितने ज्यादा क्रॉस कर लोगे उतने ज्यादा आपको नंबर्स मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, उतने ज्यादा आपको नंबर्स मिल जाएंगे। फिर होगा आपका कमांड टास्क, कमांड टास्क में आप कमांडर बनते हैं, आपके दो सबऑर्डिनेट बनते हैं, देखो
पीजीटी एचजीटी कमांड टास्क फाइनल ग्रुप टास्क सब एक जैसे होते हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, बस अलग अलग लोगों के साथ परफॉर्म करते हो, है ना। वो आपको आर्टिफिशियली आपके सामने हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं, आपको कुछ ऐसे मटेरियल्स दिए जाते हैं जो आपकी हेल्प कर सके, आपको असिस्ट कर सके। फिर देखो प्रियांशु बच्चा, मैम ने कहा तो आपको यार आप लोग कैसे अफसर बनोगे, कैसे। राजीव रंजन बच्चा, ये रोज ही क्लास चलेगी, लेकिन रोज चलेंगी ये मंडे से, क्योंकि अभी आपके रैंकर्स बैच के डेमो चल रहे हैं, तो मंडे से 10 बजे मिलेंगे अपन लोग रोज इसी टाइम पर, इसी चैनल पर और इसी जगह, इसी मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चों के साथ, एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर में जो बनने वाले हैं फौजी, राइट। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद जब आपके ये ग्राउंड टास्क, इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टास्क सब हो गए, फिर आप लोगों की क्या होती है, कॉन्फ्रेंस होती है। फिर आप लोगों की क्या होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, सबसे बड़ा अंतिम जो इम्तिहान की घड़ी आ गई और आपको कॉन्फ्रेंस में पहली बार कॉन्फ्रेंस के टाइम आप सब अफसरों को देखते हो यूनिफॉर्म में, है ना, यू शेप में बैठे होते हैं वो, यहाँ कैंडिडेट बैठा होता है, 2 से 3 मिनट चलता है ज्यादातर कॉन्फ्रेंस, और कॉन्फ्रेंस के बाद आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है कि कौन रिकमेंड हो रहा है और कौन रिकमेंड नहीं हो रहा। जो रिकमेंड होगा उसका मेडिकल्स होंगे और वो आपको हेड टू टो चेक कर लेंगे बढ़िया तरीके से। फिर उसके बाद मेडिकल्स के बाद आप लोगों को वो रिकमेंडेशन के बाद रिकमेंडेशन लेटर मिल जाता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जब ट्रेनिंग पर जाओ तो ये चीज़ें, पुलअप्स आनी चाहिए इतनी, आपकी रेसिंग होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़। फिर मैं क्या करा मतलब पॉइंट फॉर इंटरव्यू कॉन्फिडेंस, जसप्रीत विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट हैव पेशेंस। जब हम इंटरव्यू का सेशन करेंगे ना तो विल डिस्कस एवरीथिंग, डोंट वरी, बहुत फ्रेंडली और फॉर्मल इनफॉर्मल वे में अपन लोग करने वाले हैं। इंग्लिश बोलना बता देना, हाँ बिल्कुल बता देंगे मैम, तुमने मैम का बात तो सुना ही नहीं, मैम ने कहा क्या कहा कि अपनी क्लास का टारगेट होगा 500+, है ना, तो इतने बच्चे तो आप लोग आओगे ही आओगे लाइव, प्रॉमिस है, वादा है हमारा। मेडिकल्स में क्या होगा वो भी बताएंगे, मेडिकल्स में मैंने अभी कहा ना हेड टू टो आपको चेक किया जाएगा, सारे मैम डिस्कस करेंगे मेडिकल्स में क्या क्या चेक करता है, ठीक करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैम बोल रही हैं आपको लेके जाना है, आपका कॉल लेटर, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट, आपका ओरिजिनल भी होना चाहिए और साथ साथ 2 फोटोकॉपीज भी होनी चाहिए, और आपके मार्कशीट के साथ साथ आपका पासिंग सर्टिफिकेट, आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं उसकी डिग्री, आप CDS और अफकार्ट उनमें फाइनल ईयर में अप्लाई कर सकते हैं ना, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट लेकर जाएंगे और प्रिंसिपल से डिस्टेड वो लेके जानी है कॉपी। NCC के स्टूडेंट्स हैं तो NCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। फिर अगर आपको एरोप्लेन वगैरह चलाने आते हैं, पायलट लाइसेंस है और अफकार्ट के थ्रू जा रहे हैं पायलट एंट्री के लिए, तो वो भी होना चाहिए, वरना वहां पर भी आपके टेस्ट होता है। फिर आपको टिकट का अलाउंस चाहिए, अगर पैसा चाहिए सरकार से वापस आने जाने का खर्चा, तो अपने टिकट को जरा संभाल कर रख लेना, क्योंकि उसी टिकट के थ्रू आपको आपका अलाउंस मिलेगा, आपका आइडेंटिटी प्रूफ। आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका वोटर आईडी, आपका पासपोर्ट, DL हो, पैन कार्ड हो, ओरिजिनल भी और साथ साथ 2 फोटोकॉपीज भी, NOC सर्टिफिकेट, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और फिर आप जा रहे हैं डिफेंस के लिए, तो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, आपका NOC भी होना चाहिए, रिस्क सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स के थ्रू साइन, कि कुछ हो जाता है SSB के टाइम तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए, कलर्ड फोटोग्राफ, लाइट कलर की शर्ट और व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको SSB में लेकर जाने होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको इतना तो पता चल गया कि SSB में हाँ केवल 10th और 12th है, तो केवल 10th और 12th लेके जाओगे बच्चा, फिर थोड़ी ना सारे लेके जाओगे आप, ठीक है।
चलो अब हम आज के अपने सेशन को यही एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से फिर से मैम बोल रही है कि जिसने अभी तक रैंकर बैच में एनरोल नहीं किया है वो जल्दी से कर लो। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हमारे पास ऑलरेडी परिवर्तन 2.0 बैच है, तो जिसके पास परिवर्तन है वो रैंकर्स नहीं लेगा। रैंकर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने परिवर्तन नहीं लिया, क्योंकि भाई क्यों वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे, क्यों वो इतने आगे से पढ़े जहाँ बहुत सारा सिलेबस कवर हो चुका है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए है ये, क्योंकि कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना पसंद नहीं करता है ना, क्योंकि जो लाइव सेशन होते हैं वो बहुत इंटरेक्टिव होते हैं, वहां टीचर के साथ जुड़े होते हो तो आपको पता होता है। तो जल्दी से एक बार मैम को बता दो कि आज तो आपने ये जान लिया कि हम लोगों के साथ एसएसबी में क्या क्या होने वाला है, और जो आपकी एसएसबी की क्लासेस शुरू होंगी वो कब से शुरू होंगी, आपकी मंडे से, कमिंग मंडे से ही शुरू होंगी बच्चा, वो इसीलिए क्योंकि अभी रैंकर्स बैच के डेमो चल रहे हैं। और अपन लोगों का टाइमिंग क्या होगा, 10 बजे मिलेंगे इसी चैनल पर एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर पर, है ना, आएगा आएगा जल्दी ही आएगा। हाँ रोशन बच्चा 350 मार्क्स हैं तो जरूर करो भाई, कितनी बार बोले 280 प्लस वाले लग जाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, जो भी आज न्यू हमारे साथ जुड़ा था वो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को हिट करेगा, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं आपको उन सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और यूट्यूब पर इस लेक्चर के बाद कमेंट कर जरूर बताना कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, आप चाहते हैं सेशंस या नहीं चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जितना मजा मुझे आने वाला है उतना ही आप लोगों को भी आने वाला है ना। Yes, I do have. I had appeared also and I had cracked in my very first attempt from 21 SSB board Bhopal. ठीक है 160 तो बहुत कम है बच्चा, 160 तो कम है। जिनके एनडीए के अभी जिन्होंने चेक किया हो अपने उससे आंसर की से 280 प्लस स्कोर कर रहे हैं वो तो जरूर जरूर करेंगे। जो अभी अपीयर कर रहे हैं ये प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी करो, और अगर जिनके कम है तो वो भी करो, क्योंकि कल को फिर भी तो आपको एनडीए देना है या नहीं देना है। इंग्लिश वीक है, अरे सब मजबूत हो जाएगी। ठीक है हाँ हाँ अनिकेत बच्चा बिल्कुल रेगुलर होगी मंडे से। चलो अब कर देते हैं सेशन को यही एंड, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। मुझे उम्मीद है कि तब तक आप लोगों का ये जोश कम नहीं होगा और ऐसे ही बना रहेगा जैसे आज आप लोगों ने सीखा है, और आज आप बने रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो और ऐसे ही पढ़ते रहो। बाय बाय।